हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने 21 डेज़ के लिए 6 आवर स्टडी का चैलेंज लिया है। सो इट्स डे 1। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल फिल कर रही हूँ। सुबह सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आप मौखिक रूप से ऐसे मन में ही 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, या उसको आप कहीं पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये ग्रेटिट्यूड जर्नल है जिसको मैं फिल करती थी पर बीच में छोड़ दी थी। तो अभी 21 डे इसके चैलेंज में मैंने इसे भी ऐड किया है कि मैं प्रतिदिन सुबह 10 ऐसी चीज़ों के लिए धन्यवाद करूँगी जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, जो मेरी लाइफ में है। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी, जैसे कि मेरे स्टडी के लिए, मैं स्वस्थ हूँ उसके लिए, ऐसी कोई भी चीज़ जैसे जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है उसको फिल करती हूँ। ठीक, ये मैंने 2017-18 से बनाया हुआ है। ये प्रैक्टिस मैं करती हूँ पर बीच में फिर छूट जाता है, इसलिए मैं 21 डेज चैलेंज में ऐड कर दी हूँ ताकि इसके लिए भी मुझे हैबिचुअल हो जाऊँ और इसको मैं डेली बेसिस पे करूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है आपका। आपकी वो पॉजिटिविटी ना हर चीज़ों में दिखेगी, आपके लाइफ के हर क्षेत्र में, फिर वो पॉजिटिव जो वाइब्स है वो जाएंगी और लाइफ में आपकी पॉजिटिविटी आएगी। तो दिन का सबसे पहला काम क्या है, जो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके लिए कृतज्ञ होना, अपनी विशेष को, अपनी जो चीज़ें सही हुई हैं उसको आप अगर पेन डाउन करते हैं ना, तो आप उस चीज़ को फील करते हैं, है ना। वरना थॉट्स तो आते और जाते रहते हैं, जिन चीज़ों को आप पेन डाउन करते हैं उसको सच में फील करते हैं और आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आप इसको करके देखिएगा, सुबह उठ के ना सबसे पहले 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। वो मैं 10 मिनिमम बता रही हूँ, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप धन्यवाद देंगे ना, तो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। सो सबसे पहले मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है 6 आवर में क्या क्या पढ़ना है, वो मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। जैसे मुझे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी और ACF के मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है और कुछ देर मैथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसको मैं राइट डाउन कर ले रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आज सबसे पहले मैथ्स का प्रैक्टिस करूँगी। वो आपने बुक तो पढ़ी होगी ना, ईट दैट फ्रॉग, मतलब तो सबसे कठिन, सबसे अगलीस्ट चीज़ है ना, उसको पहले करो क्योंकि बाद में फिर उसका मरने लगता। तो मेरे लिए मैथ्स कठिन तो नहीं है पर इतना बोरिंग है, अगर मैं इसको सुबह सुबह नहीं की ना तो फिर दिन भर मैं इसको टालते जाऊंगी और वो भी टल ही जाता है। जैसे मैं ना पहले शाम को मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए सोची थी, लेकिन होता क्या था कि अब करूंगी तब करूंगी और मैथ्स मेरा छूट ही जाता था, मैं इसको अवॉइड करती थी। इसलिए मैं सबसे पहले सुबह सुबह आप सोच रही हूं कि पहले मैथ्स प्रैक्टिस ही करूंगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम आरती सिंह है। बेसिकली मैं कोरिया जिले से बिलोंग करती हूं और मेरी जॉब भी वहीं पर, लेकिन अभी शादी के बाद मैं रायपुर शिफ्ट हो गई हूँ और मैं CGPSC की तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्रिपरेशन 2017-18 से स्टार्ट की है और ये मेरा 5वां मेंस था। मेरा 2018 में मेंस क्लियर हुआ था जिसमें मेरे 185 रैंक आई थी पर पोस्ट नहीं मिली थी। सो मैं अभी भी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। तो हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे जब तक हमको हमारी मंजिल नहीं मिल जाती। अभी जैसे कि आरक्षण का मुद्दा चल रहा है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 21 डेज़ के लिए 6 आवर्स का चैलेंज दिया है। 6 घंटे बहुत कम होते हैं, लेकिन शादी के बाद 6 घंटे पढ़ने के लिए प्रॉपर निकालना बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोच रही थी पहले कम से चालू करूँ, उसके बाद ग्रेजुअली उसको बढ़ाऊँगी आगे। सो 6 आवर्स भी आपके लिए काफ़ी हैं, इतने में भी आप तो सही से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप पूरे फुल फोकस से 6 आवर्स अपनी पढ़ाई को देते हो। तो मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक औसत था, मैंने औसत का सवाल सॉल्व किए। ये मैं आर्यभट्ट की बुक से सॉल्व कर रही हूँ। आर्यभट्ट की प्री के लिए रीजनिंग और मैथ्स की अलग अलग बुक आती है, तो मैंने मैथ्स की बुक से औसत का सवाल सॉल्व किए हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप यूट्यूब में मैथ्स बाई प्रबल सर या फिर कोई और मैथ्स का चैनल लगा के उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी ईजी पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमको मेंस में पूरे स्टेप दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शुरू से ही पूरा वैसा प्रैक्टिस करूँ। सो यहाँ मैं अपना टाइमर बंद कर देती हूँ। ये देखिए 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है।
और अब मैं ब्रेक लूँगी। मैंने सुबह की चाय ली और अपना नाश्ता किया और जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं उनको कंप्लीट करके मैं पढ़ने बैठूँगी। तो ये हम आ गए हैं पढ़ने के लिए, दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब मैं सीजी हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। सीजी हिस्ट्री में मैं आधुनिक इतिहास पढ़ूंगी क्योंकि मेरा मिडवल और एशियन तो मैं कंप्लीट कर ली थी, आधुनिक बचा हुआ है। आधुनिक इतिहास इंडियन हिस्ट्री के जैसे ही है, बस उसमें ना नेम अपने को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि जितने भी चीज़ें हुई हैं आंदोलन और जैसे भी जो भी विद्रोह हुए हैं वो तो पूरा आप इंडिया लेवल पे ही पढ़ेंगे लेकिन उन पे नेम चेंज हो जाएंगे। उसमें हम छत्तीसगढ़ के लीडर्स का नाम याद करते हैं तो वो बेसिकली वो ज़रूरी है। आधुनिक जो इतिहास है ना उसमें हमको नेम बहुत सारे याद करने पड़ते हैं, और किस दिन क्या चीज़ हुआ, किसको कौन गिरफ्तार किया, कहाँ किसे फांसी हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम छत्तीसगढ़ के बेसिस पे देखेंगे। सीजी हिस्ट्री में हरिराम पटेल की जो बुक आती है ना समग्र, उससे पढ़ रही हूँ। पहले मैं प्री और मेंस के लिए अलग अलग बुक फॉलो करती थी क्योंकि पहले प्री में उतना डीप पूछता नहीं था तो हम बेसिक बुक पढ़ के ही प्री देते थे, और उसके बाद मेंस के लिए हमको समग्र छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी की समग्र पढ़नी पड़ती थी और एक्स्ट्रा विकास परक से नोट्स बनाने पड़ते थे। लेकिन जब अब डीप पूछ रहा है ना तो जितने भी प्रकाशन वाले जैसे हरिराम पटेल या कमीशन कम्युनिटी, ये लोग अपनी बुक में ही पूरा फैक्ट दे दे रहे हैं। तो मैं इस बार सोची हूँ कि इस बार एक ही बुक रखूँगी, उसी को 10 बुक पढ़ने से अच्छा है मैं एक बुक ही 10 बार पढ़ लूँ। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि इसी बुक को 2-3 बार पढ़ना है। इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से डीप डिवाइड कर दी हुई है जिससे एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनेगी और एग्ज़ाम टाइम में वो काम आएगा, प्री में ही नहीं मेंस में भी वो काम आएगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसी को फॉलो कर रही हूँ। मुझे ना एक्सपेरिमेंट करते रहना पसंद है। ये 21 डे चैलेंज जो है ना वो भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह था। क्या है, मेरी सीटिंग ना छूट गई थी, मैं आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रही थी, लेकिन देखिए मैं यहाँ 2.5 घंटे से 1.5 घंटे से बैठी हुई हूँ और पढ़ रही हूँ, मतलब कि ये वर्क कर रहा है और मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी आगे, ठीक है। तो अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गया बैठे बैठे, है ना, तो अब मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी। ये रही हमारी चाय और चलिए अब शुरू करते हैं आगे का। सीजी हिस्ट्री को पढ़ते हुए मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं तो अब मुझे सब्जेक्ट स्विच करना है। थोड़ी देर और पढ़ने के बाद मैं इंडियन पॉलिटी में स्विच करूँगी। फ़िलहाल मैं अभी जो जितने भी हाईलाइटेड मार्क की हूँ ना उसको एक बार और देख लेती हूँ सरसरी निगाह से। जैसे मैंने आपको बताया था रिवीजन का तरीका, जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको तुरंत पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज़ करिए कि आपने क्या पढ़ा है आज। तो चाय पीते पीते मैं यही देख लेती हूँ एक बार मैंने आज क्या पढ़ा है, उसके बाद कल से मैं ये पूरे नेताओं के नाम जो एक साथ दिए ना इसको कम्प्लीट करूँगी। तो फ़िलहाल अभी इसको स्टॉप कर देते हैं और सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनसे मिलिए, ये है हमारे घर की क्यूट सी मेम्बर, ये है मेरी भतीजी, इसके साथ टाइम स्पेंड करने से ही सारा टेंशन फुल हो जाता है। सो अब दिन का तीसरा स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अभी स्टार्ट की हूँ इंडियन पॉलिटी, ये मेरे इंडियन पॉलिटी की नोट्स हैं। क्या होता है ना, हम शुरू जब करते हैं स्टडी अपना तो कुछ नोट्स बनाते हैं या पहले पहले जिस बुक से पढ़ते हैं उससे हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी रहती है, तो मेरी इस कॉपी से है। जब भी मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ ना तो सबसे पहले इस कॉपी को रिवाइज करती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी बुक को प्रीफर करती हूँ। ये मेरे पटेल के नोट्स हैं, दीक्षित सर के द्वारा पढ़ाए हुए, और इससे मेरा क्या है बेसिक क्लियर हो जाता है और आगे फिर मैं जो चीज़ें मैं बुक से पढ़ूंगी ना वो अच्छे से मुझे समझ में आएगी। पॉलिटी में ना ज़्यादातर कूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको फैक्ट से ज़्यादा ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जिस चीज़ को आप पढ़ चुके हैं उसको इतनी बार पढ़िए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अपना मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना हमको एलिमिनेट करने आता है और हमको क्या छोड़ना है, कैसे सॉल्व करना है पॉलिटी क्वेश्चन, ये है। मैं तो वैसे भी ना प्री में पॉलिटी क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग देना पड़ता है ना, ज़्यादा देर सोचना पड़ता है उसको, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन होते हैं और एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं अपने नोट्स रिवाइज करूँगी, उसके बाद पटेल की बुक से ही पढ़ूँगी,
और फिर मेंस के टाइम में ना एम एस श्रीकांत की बुक का भाग 5 और भाग 6 एक बार डीप में देखूंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पर आते हैं। आज पॉलिटी मैंने भाग 2 तक देखा है, बाकी का रिवीजन कल करूँगी। आगे मैं नेक्स्ट स्लॉट मेरा KCF इंटरव्यू की तैयारी का होगा, क्योंकि जैसे कि अभी देख रहे हैं आरक्षण का मुद्दा बना हुआ, लेकिन अचानक से किसी दिन ऐसा फैसला आ जाए, अचानक से एक हफ्ते में ही इंटरव्यू रख देगा वो, CGPSC कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना होगा, मुझे ACF के लिए भी टाइम निकालना होगा, है ना। ACF की जो इंटरव्यू उसका प्रिपरेशन भी करना होगा। उसके लिए मैं अभी YouTube पे जो ACF के मॉक इंटरव्यू है ना उसको देखती हूँ, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो मैं खुद तैयार करती हूँ, जैसे कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे और उसको भी मैं अपने बेसिस पे तैयार करती हूँ, जैसे कि नाम का अर्थ क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है। जैसा मैंने CGPSC का इंटरव्यू दिया है तो ज़्यादातर क्वेश्चन ना अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या आपने कुछ हायर डिग्री हासिल की है ना तो उससे क्वेश्चन होगा, या तो फिर आपने अगर जॉब करते हैं तो जॉब से होगा। तो मेरे सारे क्वेश्चन ना जॉब से रिलेटेड थे, मैं बाई प्रोफेशन असिस्टेंट टीचर हूँ तो मुझे शिक्षा विभाग से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन, अपना होम टाउन, आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद फॉरेस्ट वन विभाग का है तो वन विभाग का क्वेश्चन पूछे गए, तो वो क्वेश्चन मैं इसमें निकाल रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है उसके बारे में पूछ सकता है, सलमान खान का हिरण वाला केस भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ पहले, उसके बाद उसके जो आंसर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग में तैयार कर लूँगी। ये यूट्यूब में चैनल है RS प्रज्ञान है, ये राजस्थान से है बेसिकली, लेकिन ये फॉरेस्ट विभाग का ही पूरा इंटरव्यू डाला हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो उसमें जो मेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो सब समान ही होंगे जो फॉरेस्ट वाले, जो स्टेट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं ना जैसे वो राजस्थान का पूछते हैं उसको मैं अपने छत्तीसगढ़ पे कर लेती हूँ। जैसे वो घाना पक्षी विहार के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ रहंगी पक्षी विहार इसके बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा सोचकर तैयारी कर रही हूँ और क्वेश्चन कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये है मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और इसके साथ ही मेरा 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट होता है। मैं इसको स्टॉप कर लेती हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:50, तो 7:50 तक मेरा 6 शॉट का कंप्लीट हो चुका है, इसको अब मैं रीसेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो आज के जितने टारगेट्स थे मेरे वो कंप्लीट हो गए हैं, इन्हें मैं डायरी में नोट करके इसको मार्क कर लेती हूँ, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस, CG मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ACF इंटरव्यू का थोड़ा सा तैयारी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।